Hi guys, मैं स्नेहा, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो सकते हैं और अगर हम फेस ऑयल या सीरम्स की बात करें तो 500-700 रुपए से कम तो शायद ही कोई आपको ब्यूटी ऑयल मार्केट में मिलता हो। और जहां तक एक ब्यूटी DIY बनाने की बात है तो जो मजा आपको एक ब्यूटी प्रोडक्ट का DIY या खुद से बनाने में आता है वो मार्केट से खरीदने में मुझे लगता है शायद ही है, क्योंकि एक तो आपको पता रहता है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपके ऑयल में गए हैं, और अगर उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा ना भी हो लेकिन आपको पता है कि आपने इसमें क्या क्या डाला है और इसमें क्या है जो आपको किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ब्यूटी ऑयल DIY लेके आई हूँ जो आपको विंटर्स में ना ही सिर्फ ग्लोइंग स्किन देगा, साथ ही साथ आपके फेस से रूखापन और जो एक खिंचाव सा आ जाता है ड्राई स्किन की वजह से उसको भी दूर करने में मदद करेगा। तो आइए इसको बनाने की विधि देख लेते हैं। इसे बनाने और स्टोर करने के लिए हमें ऐसा टिंटेड ग्लास बॉटल चाहिए। फेस ऑयल्स या सिरम को ऐसे टिंटेड ग्लास बॉटल्स में ही स्टोर किया जाता है, और मैं ऐसा एक छोटा सा फ़नल ले लूँगी ताकि सारे ऑयल्स को डायरेक्टली मैं इसमें डाल सकूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी करीब 3 चम्मच होहोबा ऑयल। ये आपको किसी भी वेबसाइट या ब्यूटी स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। यह आपके स्किन का जो pH लेवल है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपकी स्किन से जो ऑयल सिक्रीट होते हैं उससे अगर कोई एसेंशियल ऑयल सबसे ज़्यादा मैच करता हो तो वो है ये होहोबा ऑयल। अब इसके ऊपर का फनल हटा के मैं इस बॉटल में करीब 3 से 4 ड्रॉप्स लैवेंडर ऑयल की डालूंगी। ये भी एक एसेंशियल ऑयल है, और एसेंशियल ऑयल्स को आप अपने नॉर्मल कैरियर ऑयल से कन्फ्यूज़ ना करें। ये प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट से बने हुए ऑयल्स होते हैं जिनमें थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हीलिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें होगा एक विटामिन ई ऑयल कैप्सूल। मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर की ईवियन 400 कैप्सूल डाल रही हूँ। विटामिन ई भी आपके फेस के जो टेक्स्चर है या कोई पिम्पल्स हाइपरपिगमेंटेशन को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है। और फाइनली इसमें मैं ऐड करूँगी 4 से 5 ड्रॉप्स बादाम के तेल की। आप किसी भी ब्रांड का बादाम का तेल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे पतंजलि का यूज़ किया है। तो इसको डालने के लिए भी ये फनल का ही यूज़ करूँगी ताकि ऑयल इधर उधर बाहर फैले नहीं। अब आपका ऑयल बन के रेडी है, और फनल को हटा के जो इसका ड्रॉपर और कैप है इसको इसमें स्क्रू कर दें। तो इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। तो पहला तो है एज अ नाइट ट्रीटमेंट, रात को सोने से पहले आप करीब 4 से 5 ड्रॉप्स लें और अपने हाथ पे अच्छे से इसको मसाजिंग करके अपने पूरे फेस पे किसी भी मॉइस्चराइजर या क्रीम की तरह पैट कर लें। और दूसरा है बिफोर मेकअप एज अ फेस ऑयल। इससे क्या होगा कि विंटर्स में जनरली जो स्किन बहुत ड्राई, बहुत स्ट्रेच या बहुत ही रूखी सी लगती है, और कई बार फाउंडेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, तो इस फेस ऑयल का यूज मेकअप से पहले करने से वो समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और कई बार मेकअप करने के बाद और फाउंडेशन लगाने के बाद बहुत ऐशी या बहुत ही एक बेजान फ्लैट सा लुक आता है फेस पे, उसको भी ये ग्लो में तब्दील कर देगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पे आने वाली वीडियो पे क्लिक करके उसको देखना मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।